जैस्मीन को फिर मिली बिग बॉस से फटकार, जैस्मीन को भारी पड़ा राखी से पंगा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में जैस्मीन भसीन को 24 घंटे के अंतराल में लगातार दो बार बिग बॉस से करारी फटकार मिली है। दरअसल राखी सावंत ने अपने कॉफी की जासूसी होने के शक पर ऐसा करने वालों के लिए बद्दुआएं दी थी। जासूसी अली ने की थी, इसलिए अली चिढ़ गए और राखी पर हल्ला बोल कर दिया। अली का साथ देने के लिए जैस्मीन भी आ गई। हालांकि घर वालों ने कुछ देर बाद इस मामले को शांत कराया, लेकिन जैस्मीन के मन का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। कुछ देर बाद जैस्मीन ने बतख का सिर राखी के सिर पर पहनाया और जैस्मीन के इस मजाक में राखी को चोट लग गई और राखी रोने लगी, जिसके बाद जैस्मीन ने ये चीख चीख कर कहा कि मुझसे पंगा लेना राखी सावंत को भारी पड़ रहा है। और जैस्मीन ये भी कहने लगी कि राखी रोने का नाटक कर रही है, उन्हें चोट नहीं लगी है। हालांकि जैस्मीन का ये रवैया न सिर्फ घर के सभी सदस्य बल्कि बिग बॉस को भी पसंद नहीं आया। बिग बॉस भी नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए और घर में हुए नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जैस्मीन को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि ये भी बताया कि घर में नियमों का उल्लंघन करना अब न सिर्फ घर के सदस्यों की आदत बन गई है बल्कि अब वो इसके आदि हो गए हैं। इससे पहले भी नॉमिनेशन टास्क के दौरान स्मोकिंग एरिया में निकी तंबोली से बात करने के लिए जैस्मीन को बिग बॉस ने फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि इस समय घर में नियमों का उल्लंघन बड़ी मात्रा में हो रहा है, जिसके लिए बिग बॉस ने कड़े शब्दों में निंदा भी की है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या बिग बॉस की फटकार से जैस्मीन सबक लेती है या वो फिर इसी तरह नियमों का उल्लंघन आगे भी करती रहती हैं। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।